तो मेरे दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो टेक्निकल सपोर्ट या डेस्कटॉप सपोर्ट की जॉब हो रही है ना, उसके इंटरव्यू के ओवरव्यू के बारे में कि मेन मेन क्या क्या चीज़ें होती हैं जिस पे आपको फोकस करना चाहिए और जो आपको पढ़ना चाहिए। तो दोस्त, मैं बता दूं, जो डेस्कटॉप सपोर्ट जॉब की या टेक्निकल सपोर्ट जॉब के लिए जो मेन पॉइंट ऑफ ओवरव्यू होता है ना, वो होता है आउटलुक। आपने आउटलुक का नाम सुना होगा अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, डेस्कटॉप सपोर्ट की फील्ड से हो। तो जो आउटलुक होता है वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है, वो मस्ट होता है, क्योंकि हर एक किसी कंपनी में मेलिंग प्रोसेस ज़रूर होता है। या कई कंपनीज IBM का लोटस नोट भी यूज़ करती हैं, तो वो उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, आउटलुक ज़्यादा यूज़ होता है। बट थोड़ा सा आप पढ़ लेना IBM लोटस नोट के बारे में, तो वो हेल्प करेगा इनकेस अगर इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछ लिया तो। हो गया दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, क्योंकि कंपनी में सिस्टम यूज होते ही हैं, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता ही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक मैंडेटरी है कि आपको आना चाहिए, इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर या प्रैक्टिकली नॉलेज हो तो मच बेटर। और इसके बाद वहाँ पे होता है एक VPN, VPN कनेक्टिविटी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो कंपनीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। कई कंपनीज हैं ग्लोबल प्रोटेक्ट यूज़ करती हैं, कई सिस्को का यूज़ करती हैं, कई F5 का यूज़ करती हैं, तो ये एक VPN होता है, तो ये एक होना चाहिए। और एक ऑनलाइन कम्युनिकेटर एप्लीकेशन, जैसे कि आता है ना कि जूम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गया, या अवाया हो गया, ये कंपनीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं कनेक्ट करने के लिए, या चैटिंग प्रोसेस वगैरह के लिए, तो इसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए। और कुछ एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, इंस्टॉलेशन रीइंस्टॉलेशन, अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो रहा तो क्या करना है, और हार्डवेयर के बेसिक कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप टेक्निकल फील्ड में जा रहे हो, अगर आप हार्डवेयर सपोर्ट में जा रहे हो तो हार्डवेयर आपको ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। अगर आप टेक्निकल फील्ड में जा रहे हो तो हार्डवेयर के बेसिक कंपोनेंट में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिस्टम बूट नहीं हो रहा है तो फर्स्ट लेवल की ट्रबल शूटिंग आप ही करोगे। अब सिस्टम बूट नहीं हो रहा है तो हो सकता है वो हार्ड डिस्क की वजह से हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हो, तो आपको जो हार्ड डिस्क है वो हार्डवेयर का बेसिक कंपोनेंट आपको आना चाहिए। मदरबोर्ड क्या होता है, SMPS क्या होता है, रैम क्या होता है, तो इसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। इसमें मैं कुछ दिनों में IT हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग की ट्रेनिंग देने वाला हूँ, जो कि मैं खुद ट्रेनिंग दूंगा, और मैं उसमें गारंटी आपको इंटरव्यू सिलेक्शन बताऊंगा कि आप एक्चुअली में आपको इंटरव्यू निकालना कैसे है। पूरा सिलेबस होगा, पूरा कोर्स होगा, इंटरव्यू के क्वेश्चंस होंगे 50 से 60, जो कि 90% केसेस में आपको वही क्वेश्चंस मिलेंगे इंटरव्यूअर में, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। टेक्निकल इंटरव्यू क्रैक कराने की मेरी 100% आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आप मेरे से 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हो, आप मेरे से फ़ोन पे बात कर सकते हो, पूरी गाइडेंस दूंगा मैं, जितना भी मुझे 5 साल का अराउंड एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, पूरा वो मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा कि एक्चुअली में इंटरव्यू निकालते कैसे हैं, जॉब कैसे करते हैं, और जॉब करने के बाद भी अगर आपको स्विच करना है, कुछ आगे लेवल पे जाना, तो वहाँ भी मेरा सपोर्ट रहेगा। आप जब चाहो तब मुझे कॉल कर सकते हो, तो फुल सपोर्ट मिलेगा। एंड सेकेंडली, आपको एक्सपीरियंस लेटर से रिगार्डिंग, या ऑफर लेटर, रिलीविंग लेटर, सैलरी स्लिप, जो भी इस तरीके की हेल्प होगी, मैं उसमें भी आपकी हेल्प करूँगा। या मेरे से अगर आप ट्रेनिंग लेते हो तो 100% मैं गारंटी दिलाऊंगा टेक्निकल इंटरव्यू क्रैक करने की। तो बहुत ही जल्दी कोर्स इस पर आने वाला है, बहुत ही जल्दी मैं वो कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट या टेक्निकल सपोर्ट में जॉब पाना चाहते हो सिर्फ 1 महीने के अंदर, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा। और जो इंस्टीट्यूशन की फ़ीस होती है ना, कहीं 15,000, कहीं 20,000, कहीं 10,000, उससे मात्र यहाँ पे जो फीस होगी वो सिर्फ 20% या 30%। अब आप समझ सकते हो, जहाँ 15,000 होगी अगर इंस्टीट्यूट की फ़ीस, तो मैं सिर्फ वहाँ का 20% या 30% में आपको पूरी नॉलेज दूंगा, पूरी इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, और आपको प्रैक्टिकली चीज़ें बताऊंगा जितनी ओवर रिमोट पॉसिबल हैं। अगर प्रैक्टिकली नहीं भी कराऊंगा, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो उससे ये लगेगा कि नहीं, बंदे ने प्रैक्टिकल किया है, क्योंकि मैं इसमें एक्सपीरियंस बताऊंगा कि एक्चुअली में जो टेबल शूटिंग होती है वो कैसे होती है और कैसे करते हैं इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हो या मेरे साथ ऐड होना चाहते हो तो नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं कमेंट रीड आउट करके और फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं और थोड़ा सा जल्दी से लॉन्च करूँगा। तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आप इंटरेस्टेड हो। तो बस यार दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत, एंड बी सेफ।